ले से हैमिस का रास्ता कुछ 40 किलोमीटर है। ले से जितना दूर लगता है हैमिस, वहाँ पहुँचने का रास्ता उतना ही सुंदर है। वहाँ पहुँच के आप अपनी गाड़ी नीचे पार्क कर सकते हैं और ऊपर मॉनेस्ट्री तक हाइक कर सकते हैं, जैसा हमने किया। या फिर अगर आपको अपनी गाड़ी ऊपर तक लेके जानी है तो टिकट विंडो के पास भी आपको पार्किंग का ऑप्शन मिल जाएगा। मॉनेस्ट्री का जो टाइमिंग है वो सुबह 8 से लेके शाम को 6 बजे तक है, लेकिन वहाँ के लामा से बात करके पता चला कि अगर किसी को मॉर्निंग प्रेयर अटेंड करनी है तो वो अर्ली मॉर्निंग आके भी वो चीज़ कर सकते हैं। टिकट का जो प्राइस है वो 50 रुपये पर हेड है, और उसके अंदर हैमिस मॉनेस्ट्री के साथ आपको हैमिस म्यूज़ियम भी विज़िट करने मिलेगा। यहाँ का जो कोर्टयार्ड है वो इतना बड़ा है कि अगर आप वहाँ पे बीच में खड़े रहेंगे और अपने चारों तरफ मॉनेस्ट्री को देखेंगे तो आप अपने आप को बहुत ही छोटा फील करोगे। मॉनेस्ट्री में आते ही हम लोग सबसे पहले मेन टेंपल देखने गए। मेन टेंपल के अंदर कैमराज अलाउड नहीं थे, लेकिन उसके गेट के बाहर काफ़ी डिटेल पेंटिंग्स बनाई है, जिसमें से ये है व्हील ऑफ लाइफ। उसका बहुत ही इंटरेस्टिंग मीनिंग है जो मैं कोई और वीडियो में कवर करूँगा। उसके जस्ट बाजू में ऊपर जाने का रास्ता है जहाँ गुरु पद्मसंभवा का टेंपल है। अनफॉर्चुनेटली वो बंद था, तो वहाँ से हम लोग मॉनेस्ट्री की छत पे गए। मॉनेस्ट्री की छत से पूरा हैमिस आपको बहुत ही अच्छे से देखने मिलता है। वहाँ के घर एक दूसरे से इतने पास में है कि आपको ये जो छोटा सा टाउन है वो पूरा एक फैमिली है वैसा फील करवाएगा। पहाड़ों पे बना ये छोटा सा टाउन आपको होम स्टे भी प्रोवाइड करता है, तो अगर जिनको ले सिटी की भाग दौड़ से दूर रहना है वो लोग यहाँ पर रुक सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर नेटवर्क उतना अच्छा नहीं है, तो वैकेशन उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। छत से नीचे आते ही हम लोग सीधा हैमिस म्यूज़ियम गए, जहाँ म्यूज़ियम के अंदर जाने से पहले आपको अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बाहर लॉकर में रखने पड़ेंगे। अंदर जाते ही आपको वहाँ पर हज़ारों साल पुरानी ट्रेडिशनल चीज़ें देखने मिलेगी। काफ़ी बड़ा म्यूज़ियम है और उसको देखने में आराम से आपका हाफ एन आवर चला जाएगा। उसके बाहर सुविनियर शॉप है, तो वहाँ पे काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको परचेस करने के लिए मिल जाएगी। म्यूज़ियम के जस्ट ऊपर एक गैलरी है जहाँ 16th सेंचुरी में बनाई गई पुरानी स्टोन पेंटिंग्स आपको देखने मिलेगी। फिर मेन टेंपल के बाजू में ही एक छोटा सा दरवाज़ा रहेगा, वहाँ आपको एक बहुत ही बड़ा प्रेयर व्हील देखने मिलेगा, और उसको घुमाने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, उतना हैवी है वो। मॉनेस्ट्री एक्सप्लोर करने के बाद अब समय था थोड़ी सी पेट पूजा का, तो मॉनेस्ट्री के नीचे ही जो रेस्टोरेंट है वहाँ पर हम लोग गए।
टेबल पे सामने ये भाई साहब बैठे थे, उनसे करीब हाफ एन आवर बात करके लद्दाख के बारे में बहुत कुछ जानने मिला। फिर हम लोग ने नूडल्स और मोमोज ऑर्डर किए जो बहुत ही अच्छे थे खाने में, और ऐसे ही हमारा ये जो हेमिस मोनेस्ट्री का विजिट था वो यहाँ पे ख़त्म होता है। हम लोग इतना जल्दी वहाँ पे पहुँचे थे कि पूरा मोनेस्ट्री खाली था, और बहुत ही अच्छे से हम लोग को मोनेस्ट्री एक्सप्लोर करने का मौका मिला। हेमिस मोनेस्ट्री को जो विज़िट करने का बेस्ट टाइम है वो ड्यूरिंग हेमिस फेस्टिवल है, जो जून या फिर जुलाई के आसपास होता है। अगली बार मैं ट्राई करूँगा कि उस टाइम पे मैं वहाँ पे रहूँ और उनके ये फेस्टिवल को शूट करने का मुझे मौका मिले। Bye.